गाइस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में मेरे पास दो मोबाइल आए हुए हैं। एक तो है जियो का भारत V2 नाम से। अगर आपको जियो की सिम चलानी है कीपैड के फ़ोन में, अगर आप जियो का फ़ोन ढूंढ रहे हो तो ये वाला फ़ोन आप ले सकते हो। जियो का है भारत V2 नाम से 4G फ़ोन है। इसमें क्या कुछ फ़ीचर्स दिए हुए ये मैं आपको बता देता हूँ। और साथ में अब गाइस मेरे पास एक मोबाइल और है X741। ये माइक्रोमैक्स कंपनी का गोल्ड सीरीज का फ़ोन है। इन दोनों फ़ोनों में क्या कुछ फ़ीचर्स हैं और कैसे आपको कौन सी सिम चलानी है, जो कि जैसे कहते हैं ना जियो की सिम आपकी जो पुराने फ़ोन में लगी हुई है वो सिम आपको जियो फ़ोन में लगानी है तो कैसे आप लगा सकते हो, और उस सिम को इसमें यूज़ करेंगे तो कितने रुपए का रिचार्ज होगा और कैसे आप इसको चलाएंगे, या फिर इसमें WhatsApp चलता है या नहीं चलता है, कितने का रिचार्ज कराना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जियो की सिम अगर आपके पास है तो आपके लिए ये वाला मोबाइल मैं बताता हूँ। अगर आपको कोई और सिम लगानी है और सस्ता मोबाइल ढूंढ रहे हो तो आप ये वाला माइक्रोमैक्स के गोल्ड सीरीज़ का मोबाइल ले सकते हो, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए गाइस शुरू करेंगे, अनबॉक्स करते हैं, आपको एक मोबाइल दिखाते हैं फिर ये भी दिखाते हैं, दोनों ही एक साथ खोलते हैं। गाइस आप ध्यान से समझना वीडियो को, ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। मैं दो मोबाइल दिखा रहा हूँ इसलिए। तो गाइस सबसे पहले मैं दोनों मोबाइलों को ही अनबॉक्स करूँगा। जो मैंने मोबाइल खोला है गाइस को गोल्ड सीरीज़ का जो मोबाइल है आप देख पा रहे हो, अभी इसमें स्टिकर लगा हुआ है। इसका स्टिकर भी एक बार हटा के देखते हैं गाइस, इस तरीके से स्टिकर हट जाएगा। और गाइस इसमें आपको 2.4 की डिस्प्ले मिलने वाली है जो ये मोबाइल है, और बहुत ही स्लिम मोबाइल है। ये देख लो आप, बहुत स्लिम मोबाइल है। इसमें जो टॉर्च आपको मिलने वाली है वो भी बहुत बड़ी टॉर्च मिलने वाली है, जो कि आप देख पा रहे होगे। इधर से आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलने वाला है और LG 3500 का आपको चार्जर भी मिलेगा। और गाइस इसमें बैटरी की बात करूं तो 1750 mAh की आपको बैटरी मिलेगी, जो कि आप इधर से देख पा रहे हो। और गाइस इसके अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फ़ीचर्स मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है और फ़ोन बहुत सस्ता है, ये मैं आपको अभी बता दूं। दो सिम आप चला सकते हो, पावर सेविंग मोड आपको इसमें मिल जाता है, FM रेडियो आप चला सकते हो। और गाइस इसमें कैमरा आपको मिल जाएगा जो कि आप देख पा रहे हो। स्पीकर है, आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के साथ में आपको स्पीकर ऑन करके आप बात भी कर सकते हो, ठीक है। और गाइस इसमें आपको टॉर्च मिल जाएगी, स्क्रीन कैप्चर मिल जाएगा जो आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ठीक है। अगर आप ये मोबाइल लेना चाहते हो तो ये बहुत ही सस्ता है, 1000 रुपये का फ़ोन आता है गाइस, आप चाहो तो ले सकते हो। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मोबाइल तो चलो ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं जियो सिम अगर आपको चलानी है तो जियो सिम कैसे चलाओगे, इसको अभी साइड में रख देते हैं। तो जियो सिम अगर आपको चलानी है तो ये वाला मोबाइल लो, मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है जियो भारत V2 नाम से फ़ोन ये आपको मिल जाता है। तो एक बार मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपको मोबाइल दिखा देता हूँ किस तरीके से मोबाइल लगता है। तो गाइस अभी ये चार्जर गिर गया, तो गाइस ये चार्जर इसमें एक निकला हुआ है, और गाइस इसमें एक ये बैटरी निकली हुई है, और फ़ोन ये वाला फ़ोन निकला हुआ है। ये बैटरी गाइस कुछ इस तरीके से, इधर जियो लिखा हुआ है और इधर के साइड में आपको ये कुछ इसके फीचर्स हैं, जैसे कि 1000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलने वाली है। फ़ोन भी बहुत ही सस्ता है गाइस, चाहो तो आप ये वाला फ़ोन ले सकते हो। जियो भारत लिखा हुआ है इसमें, भारत इधर लिखा हुआ है, इसमें आपको बैटरी डालते हैं, इसमें क्या कुछ चलता है ये मैं आपको बता देता हूँ, तो जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो गाइस मैंने इसको अभी ओपन कर दिया है, एक बार देखते हैं, बैटरी डाल दी है। बैटरी डालने के बाद ये कुछ इस तरीके से ऑन हो रहा है गाइस, और इसमें जियो भारत लिखा हुआ है और उसके बाद में ये जियो लिख के आया गाइस, ठीक है। तो आप इस फ़ोन को देख सकते हैं, अगर ये फ़ोन आपको अच्छा लगता है तो गाइस ये 1000 रुपये का फ़ोन है, और साथ में एक सिम भी साथ में फ्री मिलती है जियो की, और उसमें आपको 1 महीने का रिचार्ज भी फ्री में मिलेगा, जिससे आपको चलाने में आसानी हो जाएगी। इसमें एक चीज़ है आपको, लेकिन आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, पैसे ट्रांसफ़र करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपकी पुरानी इसमें लिखा हुआ है बाकायदा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये, इसमें आप UPI कर सकते हो, जियो सिनेमा चला सकते हो, जियो सावन पे 8 करोड़ गाने सुन सकते हो, HD वॉइस कॉल कर सकते हो, 1.77 इंच की आपको स्क्रीन मिलेगी, 22 तरीके की इसमें आपको लैंग्वेज मिल जाएंगी। HD कार्ड लगाना चाहते हो तो 128 GB तक लगा सकते हो, 3.5 mm का ऑडियो जैक है, टॉर्च आपको मिल जाएगी, 1000 mAh बैटरी है, 1.3 MP का आपको कैमरा मिलेगा। गाइस इसमें फ़ीचर्स तो बहुत हैं, बस इसमें क्या नहीं है वो मैं आपको दिखाऊँ। इसमें टॉर्च भी है, इसमें गाइस वो नहीं है कि जैसे कि अगर आपको WhatsApp चलाना है, Facebook चलाना है, YouTube चलाना है तो वो नहीं है। और अगर आपके पास पुरानी सिम है तो आप वो वाली डालोगे तो उसमें आपको 123 रुपये का रिचार्ज आपको हर महीने करवाना होगा, ठीक है। आप पुराने वाले इस फ़ोन की जियो फ़ोन की सिम डाल सकते हो, या कोई भी आपके पास सिम पड़ी है, आप 123 रुपये के रिचार्ज से 123 से ऊपर के रिचार्ज पे आप सिम को चला सकते हो, ठीक है। 123 या फिर स्मार्टफोन के जो रिचार्ज होते हैं वो रिचार्ज आप करा लेना, ठीक है। बाकी ये फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो। अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगता है तो ये ले लेना, अगर ये अच्छा लगे तो आप ये ले लेना। दोनों में से जो भी फ़ोन आपको पसंद आए तो आप वो वाला फ़ोन ले लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या है। अब आपको ये एक चीज़ बता दूं, अगर आपको ये फ़ोन लेने हैं तो कैसे लोगे आप, ये भी तो बात मेन हो जाती है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये फ़ोन आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपको पूरी इंडिया में आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू लॉन्च हुआ है। जियो का भारत V2 नाम से फ़ोन है, बिल्कुल न्यू लॉन्च हुआ है, ये आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये हर जगह मिलता है, जेसी में जाओगे, जियो सेंटर जाओगे वहाँ मिल जाएगा, किसी भी शॉप पर जाओगे वहाँ मिल जाएगा। तो ये फ़ोन आपको ईजिली मिल जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये जो फ़ोन है ये आप चाहो तो फिर इसको ऑनलाइन आप सर्च करके देख लो, आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सर्च करके देख लो, आपको ये मोबाइल आराम से मिल जाएगा। आपको कोई दिक्कत लगे, प्रॉब्लम लगे तो मुझे आप कमेंट कर देना, और इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया, वहाँ पे जाके मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई दे दूँ, तो आपका शायद समाधान हो जाएगा, ठीक है। ये 1000 रुपये, दोनों 1000 रुपये के फ़ोन हो गए। ये वाला हो गया GSM फ़ोन, ये हो गया 4G वोल्टी फ़ोन, ठीक है। जो भी आपको फ़ोन पसंद आया वो आप ले लेना, और इन दोनों फ़ोनों में आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। और गाइस अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन दबा लो, जिससे आने वाला समय से वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।